नमस्कार, लाइव आप जुड़ गए हैं। जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं, जो कुछ दिखाने वाले हैं, पता नहीं आप कितना इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन जो हम बातें आपको बताएंगे बिल्कुल सत्य घटनाओं पर वो बात आधारित होगी। ये आप देखिए, जो आप देख रहे हैं ना, ये रोड जो देख रहे हैं, ये चरही घाटी कही जाती है। और इसके आगे आपको बता दें, थोड़ी दूरी पर यूपी मोड़ है और लगातार वहां पर सड़क दुर्घटना होती रहती है। आए दिन कोई ना कोई घटना घट जाती है। अभी 2-3 दिन पहले ये घटना घटी थी, जो टैंकर पलटा था, एथेनॉल वाली टैंकर जो पलटी थी, तीखा मोड़ है वहां पर, वहां पर एक व्यक्ति उस टैंकर में जिंदा जल गया था। थोड़ा आंकड़े आपको हम बता दें, जो देश के आंकड़े कहते हैं, जो सड़क दुर्घटना के आंकड़े कहते हैं। आपको बता दूं, हर साल पूरे भारत में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं सड़क दुर्घटना में। अगर दिन की बात करें तो एक दिन में 415 लोगों की मौत हो जाती है। आप सोचिए कि किस तरीके से लोगों की मृत्यु हो रही है सड़क दुर्घटना में, उसको लेकर क्या किया जा सकता है, ये सवाल बहुत बड़ा हो सकता है। इसमें तो भैया रोड सेफ्टी को लेकर तमाम बातें हैं ही, लेकिन जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं वो थोड़ा अलग है, थोड़ा हटकर। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि आप इत्तफाक रखें, हो सकता है कि ना रखें। कुछ लोगों ने कहा था, जब मैंने वो कवरेज की थी, वो बातें दिखाई थी, लोगों ने कहा था कि भाई रोड सीधी हो जानी चाहिए, रोड सेफ्टी को लेकर बहुत सारे काम होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन एक और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, वो तस्वीर आप देखकर हो सकता है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इत्तफाक रखें ना रखें, लेकिन वो सत्य है। देखिए, यहाँ पर आप घूम जाइए, ये देखिए एक मंदिर है चरही घाटी में, ये आप देख रहे हैं, एक मंदिर आपको नजर आ रहा है, ये हनुमान मंदिर है और ये चरही घाटी में मंदिर है, 1985 का बना हुआ है। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर बहुत सड़क दुर्घटना होती थी और लगातार होती थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि इस मोड़ पर कम से कम सड़क दुर्घटना नहीं होती। तो क्या ये सॉल्यूशन निकल सकता है कि यूपी मोड़ पर भी एक मंदिर बना दिया जाए? इससे क्या होता है ना कि जो गाड़ियां आती है, अगर पता होता है कि यहाँ पर मंदिर है, तो वो खुद ब खुद धीरे हो जाते हैं और कम से कम एक बार सर झुकाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में गाड़ियां धीरे भी होती हैं और दुर्घटना की संभावनाएं भी कम हो जाती है। और जो आस्था होती है, और आस्था की अगर बात करें, तो यहाँ पर बहुत दिनों से कोई भी सड़क दुर्घटना होती हुई दिखाई नहीं दी है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी भी हैं, उनसे बात करेंगे। 1985 का मंदिर है और ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, आपको हम बता दें, ये रोड चरही घाटी जो है, जो यहाँ से लगातार गाड़ियां निकल रही है, 24 घंटे यहाँ पर गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां निकलती हैं। हम सड़क दुर्घटना की बात कर रहे थे कि भारत में किस तरीके से लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की जान चली जाती है। पूरे भारत में जो कहानी है, पूरे साल की जो कहानी है, 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बहुत सारे कारण है, रैश ड्राइविंग हो सकता है, ओवर स्पीड हो सकता है, आप गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं, आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर सकते हैं, वो तमाम बातें हैं। रोड सेफ्टी को लेकर भी तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ अलग है, वो अलग अलग आप कह सकते हैं मान्यताओं पर हो सकती है कि आधारित हो, कि भैया मंदिर बनवाएंगे तो हो सकता है। कि बहुत सारी ऐसी उदाहरण है सड़क को लेकर, आप चले जाइए चौपारण में भी, एक क्या नाम है मंदिर का चौपारण में जो है, हथिया बाबा मंदिर है, तो वहां भी बहुत सड़क दुर्घटना होती थी। जब से वो मंदिर बनाया गया है, वहां भी दुर्घटनाएं कुछ कम हुई हैं। ये देखिए मंदिर बना हुआ है, मंदिर की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पर मंदिर के पुजारी भी हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार पांडे मेरा नाम हुआ। जितेंद्र जी, कब से मंदिर है ये? ये 85 से है। 85 से जी। अच्छा, मंदिर जो बना है किस उद्देश्य से बनाया गया था? पूजा के लिए तो है ही, सबसे पहला शांति के लिए। शांति के लिए। और जब से ये मंदिर बना है तब से यहाँ दुर्घटना नहीं हो रही है, ये पक्का बात है, सड़क दुर्घटना नहीं। जी 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 जी। कब से आप दुर्घटना नहीं देखे हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ 19 से ज्वाइन किए हुए हैं, 2019 जी, लेकिन जब से ये यहाँ पे, ये आपका इधर से 4 लेन ये हुआ आपका रोड, घूम जाइए, जब से इधर बना हुआ है, इधर आइए, तब से यहाँ पे शरीर से इधर घटना नहीं हो रही है। बाकी आपका जो आगे में यूपी मोड़ है, वहाँ पे आए दिन में दुर्घटना होते रहती है। 2019 से आप दुर्घटना होते हुए यहाँ पर नहीं देखे। ये पक्की बात कन्फर्म। आप एक और बात बता रहे थे कि एक दुर्घटना हुई थी, तो क्या हुआ था उसमें? उसमें तो वो साइड से तो आई, तो 2-4 माने की पलटन हो गया, लेकिन उसमें दुर्घटना में एक भी आदमी को खरोच तक नहीं आया। अच्छा, मतलब वो बच गए थे? बच गए, कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था। रोड के उस साइड से, वो साइड रांची की तरफ से हजारीबाग आ रहे हैं। जी जी। और ये गाड़ी इधर आ गए थे। जी। कौन सी गाड़ी थी? बुलेरो। बुलेरो था जी। और कुछ नहीं हुआ वो? कुछ नहीं। उसके अलावा कोई दुर्घटना होते हुए नहीं देखे? नहीं देखे हैं। उसका क्या कारण मान सकते हैं? यहाँ सबसे पहला तो बजरंगबली का कृपा है। बजरंगबली का कृपा? हाँ।
और दूसरा चीज है कि यहाँ पे धर्म के नाम से आदमी थोड़ा नतमस्तक होता है जी, तो वहाँ लोग जानते हैं तो भाई गाड़ी ऑटोमेटिक उनको धीरे करना पड़ता है। एकदम 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 ये चीज है। उधर से आने समय या नया आदमी रहता है उसको पता नहीं होता है, इस कारण एक्सीडेंट होता है। दूसरा चीज है कि स्पीड के कारण भी बहुत ज्यादा स्पीड भी है, बहुत ज्यादा वो कारण है। जी जी जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूपी मोड़ पर मंदिर बनाना चाहिए, जैसे चौपारण में भी बहुत दुर्घटना होता था, झारखंड में बहुत ऐसा जगह है जहाँ सड़क दुर्घटना होता है, मंदिर बनाने के बाद दुर्घटनाएं कम हो गई, तो वहाँ भी यूपी मोड़ पर मंदिर बनाया जा सकता है जिस तरीके से दुर्घटना हो रहा है? एकदम बनना चाहिए, हो सकता है कि उस वजह से, क्योंकि जान से तो कीमती कुछ नहीं है। एकदम एकदम बनना ही चाहिए, बनना चाहिए जी। अंदर की मंदिर दिखाइए आप, चलिए हम लोग मंदिर का दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। आपने नहीं देखा होगा, अगर आप हजारीबाग से रांची जाते हैं, चरी घाटी से गुजरते हैं, तो आपको एक मंदिर नजर आता है, आप ये मंदिर देख रहे होंगे, और अक्सर आप, अगर आपको पता होगा तो खुद ब खुद आपकी गाड़ी धीरे हो जाती होगी, आप एक्सीलेटर से पैर छोड़ देते होंगे, थोड़ी ब्रेक लगा लेते होंगे, क्योंकि आपको नतमस्तक होना रहता होगा। ये देखिए हम परिसर में हैं, मंदिर परिसर में हैं, और ये आप देखिए बजरंग बली की ये आप मूर्ति देख रहे हैं, जो कि 1985 में बनाई गई थी, 1985 का। जी जी जी, दुर्घटनाएं नहीं होती, दो तीन कारण है उसका, एक तो एक शक्ति है, ये तो सबसे बड़ा सर्वप्रथम वही है कि बजरंग बली का कृपा, यहाँ इनके बिना तो पत्ता नहीं डोलता है, ये तो हकीकत है। ये पुराना रोड था, और बोले यहाँ लूटपाट भी बहुत होता था पहले, नहीं पहले होता था उस समय, बच्चा था, यह सुनने में आता था, लेकिन अब तो हम बड़ा हो गए, हम यहाँ जांच बहन किए तो आंखों में देख, अपना आंख से देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं। ओवर स्पीड बहुत, गाड़ियां तेज चलती है, बहुत 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 तेज गाड़ी चलती है, तो मंदिर बनना चाहिए जी, बनवा देना चाहिए जी। रोड सेफ्टी को लेकर देखिए भैया, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, इसको आप ये बिल्कुल आधार नहीं मान सकते, या फिर ये मतलब एक रूल नहीं हो सकता, लेकिन आस्था को देखते हुए अगर आप बातें करेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, पूरे झारखंड में उदाहरण है और पूरे भारत में उदाहरण है, कि बहुत ज्यादा जहां दुर्घटना होती थी, मंदिर का निर्माण हुआ, कुछ निर्माण हुआ, तो दुर्घटनाएं कम होने लगी, या दुर्घटनाएं ना के बराबर हो गई, या दुर्घटनाएं बंद हो गई। उसमें से एक जगह है जहां दुर्घटना अब नहीं होती, ये हाँ जी नहीं होती है, नहीं होती है जी। और आपने आंख से जो देखा, दुर्घटना हुई भी थी तो आपने देखा था क्या जी? इधर आ जाइए, लोगों को देखने दीजिए, भगवान का दर्शन कर लेंगे तब तक। ये बताइए कि दुर्घटना नहीं होती, एक देखा भी था आपने तो वो बच गए थे, वो तो सब इनके वहां पे तो रो रहे थे, हम दरवाजा खोले मंदिर का, बोले जाइए, उनको शुक्रिया अदा कीजिए, सब जितना आपका फॉरेन का ऑफिसर सब आए थे, सब यहाँ नतमस्तक हुए हनुमान जी का, ये हनुमान जी का कृपा था जो आप लोग बच गए। वो ताकत है जी, है एकदम है। अच्छा बता रहे थे कि एक चापाकल है जी, जी जी, वो चलता नहीं है, नहीं चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए, क्योंकि धर्म स्थान में पानी तो सब सर्वप्रथम होना चाहिए, जो पूजा करने आएंगे कम से कम पैर धोले, हाथ धोले, एकदम एकदम। देखिए ना, अभी यहाँ पे भक्त लोग पहुंचा के जाता है, देखिए वो पानी उसमें रखे हुए जार में, और हम खुद जैसा गाड़ी बैग से लेके आते हैं। अच्छा ये शिलापट पे क्या लिखा हुआ बताइए, थोड़ा सा बताइए, ये कब का है? 1985 का है, ये क्या नाम लिखा हुआ है इसमें? रामेश्वर उराव अरिच्ची अधीक्षक। आइए इधर सामने आइए, इस माइक में बोलना पड़ेगा। ये क्या है लिखा हुआ? रामेश्वर उराव अरिच्ची अधीक्षक। क्लियर नहीं है तो श्री रामेश्वर उराव आरक्षी अधीक्षक हजारीबाग द्वारा उद्घाटित जनवरी 1985 व्यवस्थापक प्रहलाद शर्मा प्रभारी चरही ओपी उधर तुम ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो शिलापट्ट इसलिए पढ़ रहे थे, या फिर जो चीजें आपको हम बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि जो अभी झारखंड सरकार में मंत्री हैं रामेश्वर उराव जी, उनके वक्त का ही है, और वो हजारीबाग में उस वक्त आरक्षी अधीक्षक थे जी जी, तो उनके वक्त ही बनाया गया है जी, बनाया गया था। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम पानी को लेकर बात कर रहे थे, आइए हम दिखाते हैं वो चापाकल, आपको दिखा देते हैं जो इनकी डिमांड है, जो इनकी मांग है, जो ये बता रहे थे। भाई आप मंदिर में आते हैं तो स्वाभाविक है कि शुद्ध होकर आप जाना चाहते हैं, हाथ पैर धोकर अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कब तक चला था ये लास्ट? ये आपका 16-17 तक चला, उसके हाँ। बाद मेरे फादर के यहाँ पे ये 150 फीट बोरिंग है, यहाँ कम से कम 700-800 फीट बोरिंग है। ये चापाकल है ना, ये भैया थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम कंडम है, मतलब आप
मारते रहेंगे चापाकल के नाम पे, चापाकल है लेकिन पानी इससे नहीं निकलता। सामने मंदिर है, इसके चूस आस्था के लिए, बजरंग बली के लिए लोग जो पूजा करने आएंगे, जो भक्त आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए कि भाई आप भी घर में पूजा करते हैं तो बिना नहाए धोए आप अंदर नहीं जाते, कहीं बाहर जाते हैं तो बिना जल छिड़के हुए बिना हाथ पर धोए अंदर नहीं जाते। तो ये दिक्कत है, बहुत लोग ऐसे ही जाना पड़ता होगा, पानी नहीं दिखता होगा तो। नहीं, पानी को तो हम व्यवस्था रखते हैं अपने से, लेकिन यहाँ पे बहुत रोड में जाते यात्री भी आते हैं, जैसे बच्चा हो बूढ़ा हो, तो पानी ज्यादा वो लोग डिमांड करते, हम यहाँ पे नहीं दे पाते, इसके लिए हमको बहुत दुख लगता है, क्योंकि धर्म स्थान में पानी तो कम से कम अवेलेबल होना चाहिए। कितना वक्त में खोलते हैं, कौन से टाइम में खोलते हैं? हम मॉर्निंग में खोल देते हैं 8 बजे, 8 बजे खोल देते हैं, फिर अभी चले जाते हैं 12:30 में, फिर 3:30 यहाँ आते हैं, फिर हम 5:30 6 बजे ऊपर आइए। तो मंगलवार को भीड़ होता है यहाँ पर बजरंग बली के, ऊपर आइए फटाफट आइए फटाफट, मंगलवार को भीड़ रहता है यहाँ? हाँ, मंगलवार को भीड़ रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो थाना प्रभारी आते हैं यहाँ पूजा पाठ लगता करते हैं? जी जी जी, सही थाना मान्यता है यहाँ पर जी, जो आते हैं यहाँ पर पहुँचते हैं एकदम, कोई भी थाना प्रभारी आए सर्वप्रथम यहाँ पहुँचते हैं। भाई हम लोग सड़क की तरफ देखते हैं, ये सड़क ये अभी भी खतरनाक सड़क है जी, ये जो जिस तरीके से यहाँ पर टर्निंग है ये खतरनाक है, लेकिन कोई घटना यहाँ पर नहीं घटती, वो मंदिर की ताकत है एकदम है, बजरंग बली आशीर्वाद देकर हनुमान जी का कृपा है, कृपा है जी। देखिए यही बातें हम आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे मंदिर को लेकर, वो जो बातें हैं वो आपको हम सुना रहे थे, बिल्कुल जो स्पष्ट बातें हैं वो हम बता रहे थे कि दुर्घटनाएं यहाँ पर बहुत होती थी, लेकिन फिलहाल अभी हम ये नहीं कहेंगे कि मंदिर को लेकर मंदिर आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो बातें हैं वो हम आपको बता रहे थे। रोड सेफ्टी को लेकर आप तमाम बातें करिए, जो रोड को सुधार को लेकर जो आपको करना है वो करिए, लेकिन जो मंदिर को लेकर कहानी है वो भी हमने आपको बता दिया। अब लोगों की मांग है, लोगों की डिमांड है, लोग कह रहे हैं कि भैया यूपी मोड़ है जो बहुत खतरनाक मोड़ है, जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस दुर्घटना को रोकने के लिए अगर मंदिर बनवा दिया जाए तो हो सकता है कि दुर्घटनाएं ना हो, शायद इसी मंदिर को देखकर लोग कह रहे होंगे। देखिए इसी के आगे वो यूपी मोड़ है जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। मैं कुणाल सिंह, मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे चरी घाटी से, बजरंग बली की वो मंदिर जिसको लेकर यहाँ के पुजारी कह रहे हैं कि बहुत आस्था है, बहुत ताकत है, और एक दुर्घटना भी हुई थी तो गाड़ी बहुत बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं था। बाकी इसको खबर के रूप में ना लीजिए, एक तरीके से वो बातें हैं जिसमें शायद दुर्घटना को लेकर लोगों की जान बचाने को लेकर कुछ किया जा सके। मैं कुणाल सिंह, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर।